अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त सा फेस टोनर रेडी करना है। इस टोनर के बगैर आप लोग की सुबह नामुकम्मल होने वाली है। आप लोग को इस टोनर की इतनी आदत हो जाएगी। गर्मियों में क्या होता है, जिन लोगों का बाहर काम है, सूरज में बहुत ज्यादा निकलना है या किचन में काम करना है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्किन डलनेस की तरफ आ जाती है। पोर्स ओपन होने से क्या होता है, ब्लैक हेड्स भी आ जाते हैं, व्हाइट हेड्स भी आ जाते हैं। ये टोनर आप लोग के सब मसलों का हल है। आप लोग इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, साथ आप फ्रिज में रखें, इसको साथ रखें, इसको मुंह धोने के बाद इस्तेमाल करें। चले जी सबसे पहले देखते हैं कि इसको बनाना किस तरह का है, बना के वापस आते हैं, फिर मैं आप लोग को इसकी जरा 5-6 और तरीके बताती हूँ। चले जी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, बेहतरीन टोनर बनाना शुरू करते हैं। इस टोनर के बगैर ना आप लोग की सुबह नामुकम्मल होने वाली है। रोटी के बगैर गुजारा हो जाएगा, लेकिन आप लोग का इस टोनर के बगैर गुजारा नहीं होगा। हमें चाहिए आधा खीरा। इसका हम 15 ml खीरे का पानी तैयार करेंगे। 15 ml हमें चाहिए रोज़ वाटर, 1 teaspoon हमें चाहिए ग्लिसरीन और हमें लेमन चाहिए। हिसाब रखने के लिए मैंने खाली बोतल साथ रखी हुई थी, इसका हम हिसाब करेंगे। एक जो 30 ml की बॉटल होती है स्प्रे वाली, वो आप लोगों ने ले लेनी है। इसको आधा फिल करना है पानी के साथ। पानी आप लोग का ना खारा नहीं होना चाहिए। आजकल पानी की बहुत शॉर्टेज है पाकिस्तान में, खारा पानी आना शुरू हो जाता है और कुछ जगह ही ऐसी होती हैं जहाँ पे आता ही नमकीन पानी है। हम लोगों ने इसके अंदर पानी डाला और इसको दरमियानी आग पे बॉयल आने के लिए रख दिया। इसको एक दफ़ा हिलाएंगे। हिसाब ही हमने इस तरह करना है, जो हमने स्प्रे वाली बॉटल इस्तेमाल करनी है, आधा रोज़ वाटर और आधा खीरे का पानी, ये हिसाब होगा। बॉयल आना शुरू होगा जब हम लोगों ने आग आहिस्ता करनी है दम वाली, और इसको 1 मिनट के लिए दम दे देना है। ये देखें जी, 1 मिनट हो गया पूरा, ये दम उठा लिया। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। एक हम लोगों ने ग्लास ले लेना है टोनर बनाने के लिए। इसके अंदर हमने ये रोज़ वाटर शामिल है, सब इंग्रेडिएंट साथ साथ मेंशन है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। रोज़ वाटर डाल दिया 1/2 बॉटल, और 1/2 बॉटल हम लोगों ने खीरे का पानी तैयार कर लिया था। अब हमने डाले 6 से 7 कतरे इसके अंदर लेमन के, और ग्लिसरीन हमने डालनी है 1 teaspoon, भर के नहीं, हल्की सी। ग्लिसरीन डालने से क्या होगा, जो ड्राई स्किन है उनको मॉइस्चर मिलेगा। अब ये जो है खीरे का पानी रेडी किया था, ये भी हमने स्टेन करके इसके अंदर शामिल कर देना है। और खीरा ये वेस्टेज है, इसको हमने अब इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं तो मुंह पे हल्का सा स्क्रब कर सकते हैं, लेकिन जब ठंडा हो जाए। हर चीज़ को मिक्स करके इसको हमने बॉटल में शिफ्ट कर देना है। इससे क्वान्टिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, 1/2 रोज़ वाटर और 1/2 खीरे का पानी। इसको शेक कर दिया, अभी इस्तेमाल नहीं करना। इसको आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे और जब ठंडा हो जाएगा फिर इस्तेमाल करना है। अब जी हमने इस टोनर को रेडी कर लिया है। सारा प्रोसेस डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया है। इस टोनर को अब रखना है फ्रिज में। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी शेल्फ लाइफ फ्रिज के बगैर होगी 5 से 6 दिन, ठीक है? और अगर इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 10 से 15 दिन चल जाएगा। हम लोगों ने जो खीरे को बॉयल इसीलिए किया था उसके पानी को, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर दी जाए। अगर हम कच्चे खीरे को ग्रेट करके कद्दूकश करके उसका जूस निकालते तो उसकी ज़िंदगी कम हो जाती। हमने इसकी ज़िंदगी ज़्यादा करने के लिए उसको थोड़ा सा बॉयल किया और उसको हमने साइड पर कर दिया। सिर्फ बॉयलिंग वाटर के अंदर जो उसका असर आया है उसको हमने इस्तेमाल किया। इससे क्या होगा कि इसकी ज़िंदगी इंक्रीज हो जाएगी और आप लोग 10 से 12 दिन आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 12 दिन बाद इसे वैसे ही खत्म हो जाए और आप लोग को नया बनाना पड़ जाएगा। इसको बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, देखो जो फेस मास्क होता है ना, सब इस्तेमाल कर सकते होते हैं, जो देसी टोटके वगैरह होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि औरतों की जल्द जरा मुलायम शलायम होती है और मर्दों की थोड़ी हार्ड होती है। उन पे असर आने में थोड़ा टाइम लगता है और हमारी स्किन पे असर ज्यादा जल्दी आ जाता है, प्रोसेस ज्यादा फास्ट होता है। अच्छा, अब इसको जब आप लोगों ने मुंह धोना है सुबह के टाइम, फ्रिज से निकाल लें और स्प्रे करते हैं। और आप लोगों ने इसको रब नहीं करना, फिंगर्स की मदद से यूं यूं कर सकते हैं ताकि ये अंदर चला जाए। कोई चिपचिप नहीं है, कोई इसकी स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग मेकअप से पहले भी इसको स्प्रे कर सकते हैं ताकि पोर्स वगैरह श्रिंक हो जाए। इसके बाद आप लोगों ने वेट करना है, ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए। जब अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा फिर इस पे मेकअप स्टार्ट करना है। गीले पे कोई भी चीज़ नहीं लगानी, प्राइमर, फाउंडेशन या कोई भी मॉइस्चराइजर गीले मुंह पे नहीं लगाना। जब ये ड्राई हो जाएगा तब लगाना है। इसका दूसरा यूज़ क्या है, सपोज हम लोगों ने सारा मेकअप कर लिया, हम लोग बाहर निकल गए कहीं घूमने फिरने, शॉपिंग शॉपिंग करने के लिए, एकदम थकावट हो जाती है मुंह पे। अच्छा, कुछ लोगों का आप लोगों ने देखा होगा जब मेकअप करते हैं तो थकावट हो जाती है। मुझे तो अक्सर होती है, जब मैं लेंस लगाऊं मेरा मुंह थक जाता है। पता नहीं क्यों मुंह थक जाता है, लेंस से मुंह का क्या ताल्लुक है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग का थकता है। मैं लैशेज लगाऊं मेरा मुंह थक जाता है,
मैं ज्यादा हैवी लिपस्टिक रेड लिपस्टिक लगा लूँ मेरा मुंह थक जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने साथ कोई भी आप लोग स्प्रे रख लिया करें। अगर आप लोग पास ये टोनर बना लें, ये टोनर रख लें, अगर टोनर नहीं है तो कोई रोज वाटर रख लें, रोज वाटर नहीं है कोई थर्मल वाटर रख लें, कुछ भी रख लें, स्प्रे वाला मिस्ट रख लें, फेस मिस्ट रख लें, वो बहुत जरूरी होते हैं। मेरे तो बैग में हर वक्त टोनर, फेस मिस्ट या कोई ना कोई एक चीज लाजमी होती है। जो मैं थक जाती हूँ, मेरा मुंह थक जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, मेकअप के ऊपर ही 3 स्प्रे कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि एकदम फ्रेशनेस आ जाती है मुंह पे और आपका मेकअप भी डिस्टर्ब नहीं होता। जो इसके अंदर लेमन डाला हुआ है वो भी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। अब आप लोग सुनिएगा, जो हम लोगों ने ग्लिसरीन ऐड की उसने ड्राई स्किन वालों को मॉइस्चर दे दिया, ठीक है। फिर ऑयली स्किन वालों की तरफ आते हैं, ऑयली स्किन वालों को उसने मॉइस्चर दे दिया। अब देखिए, ऑयली स्किन वालों को जब ज्यादा मॉइस्चर मिल जाए तो पिंपल्स बन जाते हैं। उस पिंपल के प्रोसेस को खत्म करने के लिए लेमन के कतरे आ गए, वो चीज आ गई, ठीक है। इसीलिए बैलेंस आउट करने के लिए ग्लिसरीन और लेमन का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, ताकि इसको हर स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सके, ऑयली भी इस्तेमाल कर सके, ड्राई भी इस्तेमाल कर सके, कम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सके, किसी किस्म को इशू, किसी किस्म के स्किन टाइप को इशू ना आए। ये थी जी आज की वीडियो, बहुत आसान है टोनर बनाना। अब आप लोगों ने क्या करना है, टोनर बनाना है, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है या मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके बताना है कि हमने टोनर बना लिया है, इस्तेमाल कर लिया है। बेशक अभी कमेंट मत कीजिएगा, 7 डेज इस्तेमाल करें, सुबह उठे, मुंह धोए और टोनर इस्तेमाल करें, हल्का सा फेस ड्राई हो जाए तो कोई भी आप लोग क्रीम लगाते हैं तब अप्लाई कर लें। आप लोगों ने अपने पोर्स की पिक्चर लेके रख लेनी है, ठीक है, क्लोजअप से लेके पोर्स की यहाँ से पिक्चर लेके रख लें, और 7 डेज के बाद फिर यहाँ से पिक्चर लीजिएगा। आप लोगों को फर्क पता चलेगा कि इसने आपकी स्किन को किस तरह टाइट कर दिया है, पोर्स को श्रिंक कर दिया है, और थोड़ी सी आपकी स्किन ब्राइटर साइड के ऊपर आ गई, व्हाइटनिंग साइड पर नहीं, ब्राइटर साइड की तरफ आ गई है। देखो, फेस डल और फेस ब्राइट, इन दोनों में फर्क समझना बड़ा जरूरी होता है। डल फेस होता है कि मुरझाए मुरझाए लग रहे होते हैं, ब्राइटर साइड का मतलब होता है कि थोड़ा सा खिला खिला चेहरा लग रहा होता है, हल्की हल्की लाली लाली आई होती है, थोड़ी फ्रेशनेस आ रही होती है स्किन पे, थोड़ी सी वो क्या कहते होते हैं स्किन को, यू 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 क्या कह रहे होते हैं स्किन को, प्लम प्लम स्किन लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। चले जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, फटाफट किचन में जाएं, इंग्रेडिएंट्स बहुत आसान है, फटाफट आप लोग टोनर बनाएं, इस्तेमाल करें। मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करूंगी, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा। हाँ जी, सजेशन देना ना भूलिएगा, अगली वीडियो केड़ी चाहिए।